मई तो बाद स्टार्ट हो उससे पहले कोई साहब गवर्नमेंट जहाज भी खोले ट्रेन भी खोल साड़ी बस भी खोल देने चाहिए वो भी आ रहे क्या सानू शौक है किया गया है, हम तंग आ चुके हैं, हम मरने के लिए सड़कों पे आए हैं। आज इस कोरोना में कोविड में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब है आप घर में बैठे भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए हम सड़कों पे आए थे। और हमारी सैटरडे को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम दो दिन के बाद सड़कों पे आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं सुनी। आज मैं फिर गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि दो दिन के बाद हम अपने ट्रक्स और टैंकर्स बंद करेंगे, हर किस्म का टैंकर उसमें बंद होगा, चाहे वो डीजल का टैंकर है, पेट्रोल टैंकर है,
गैस का टैंकर है, पानी का टैंकर है, वो सभी बंद होंगे। और अगर फिर भी गवर्नमेंट जिद रही, गवर्नमेंट ने हमारी बात ना सुनी, तो उसके दो दिन के बाद हम सभी गाड़ियां सड़कों में लाएंगे और सड़कें सीज कर देंगे और एक एक गाड़ी करके अपनी चलाएंगे। और हम यहीं सड़कों पे मरेंगे, हम अब घर में बैठे नहीं मरेंगे, क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला और हम ट्रांसपोर्टरों को उसमें से एक बूंद भी नहीं मिली। और हमारा 6 महीने का जो है टैक्स माफ किया जाए, हमारे इंटरेस्ट माफ किया। आज भी बैंक वाले हमको टेलीफोन कर रहे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स भेजो। इंस्टॉलमेंट्स कोई क्यों नहीं है, हमें आरटीओ ऑफिस में कई प्रॉब्लम्स है, वो अभी आ रही हैं। पता है हमारे लिए तो जुल्म हो चुका है, करोड़ा दुनिया का जहाज चल रहे हैं, जहाजों के लिए करोड़ा नहीं है। शराब की दुकानों में 4,000 आदमी इकट्ठा हुआ, वहाँ करोड़ा कहाँ गया? माइग्रेंट्स को लेके गए रेलवे स्टेशन पर लाखों की तादाद में इकट्ठे, करोड़ा कहाँ था? हमारे लिए करोड़ा है। हरियाणा ने गाड़ियाँ चला दी, हिमाचल ने चला दी, यूपी ने चला दी, दिल्ली ने चला दी, हमारे पड़ोसी सभी स्टेट से चला दी, और हमारे लिए करोड़ा है, हम यही मरेंगे। इसलिए आज हम भूख हड़ताल पे बैठे, और नहीं होगा तो दो दिन के बाद हम टैंकर और ट्रकर बंद कर देंगे, उसके बाद हम फिर अपनी गाड़ियां सड़कों पे लाएंगे। ये हंगर स्ट्राइक जो कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन की तरफ से लड़ी जा रही है, ये एक हमारी अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंदर 15 से 20 ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन ट्रांसपोर्ट यूनियन से मिलकर एक ग्रुप बनी है, जिसके चेयरमैन सभापति सुधीर साहब यादव के नीचे हमारे अंडर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आज का ये हमारा मुद्दा है कि हम कर रहे हैं COVID-19 के चलते हमारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, हमारे ड्राइवर स्टार नशे की तरह जा रहे हैं। हम बार बार गवर्नमेंट से अपील कर चुके हैं, जिस हिसाब से अपील कर चुके हैं, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांटा है, उसमें एक बूंद तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ट्रांसपोर्ट हमारी बैकबोन है, पूरे भारतवर्ष में हजारों करोड़ इंसान इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। आज वो मंदी के हालात झेल रहा है, आज उसकी कमर टूट चुकी है, हम पैसे पैसे को मोहताज हो गए, हमारी गाड़ियाँ बैंक वाले ले गए, हमारे पास किस्तें नहीं हैं, हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, हमारे ऊपर GST 5% ट्रांसपोर्ट के ऊपर लग रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए जो है। तो आज का ये जो हंगर स्ट्राइक है, धरना प्रदर्शन है, ये हमने 2 दिन के लिए रखा है, उसके बाद हमें लगा तो हम ऑयल और LPG सप्लाई भी रोकेंगे। हमें कोई शौक नहीं, हम गांधी जी की फिलॉसफी चलने वाले देशभक्त हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हमें ये मजबूर किया जा रहा है।